इतिहास में जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी तो देश हित में किए गए निर्णय का विरोध करने वाले लोगों का, मजाक उड़ाने वाले लोगों का, उनके बयानों का जिक्र इतिहास में जरूर होने वाला है। एक ने कहा था, ये फैसला यानी 370 हटाने का फैसला ये किसी की हत्या करने जैसा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ जो हमारे भारत का सर है, एक दिन ये सर काट दिया जाएगा। एक नेता ने कहा, ये भारत की राजनीति का काला दिन है, ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। एक नेता ने कहा, केंद्र ने जो फैसला लिया वो लोकतंत्र के खिलाफ, बगैर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अनुमति के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और नेता ने कहा, इस फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाने की पेशकश के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालने वाला करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि संविधान का उल्लंघन और चुने हुए प्रतिनिधियों को कैद करके एक तरफा रूप से जम्मू और कश्मीर को तोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण नहीं किया जा सकता। ये राष्ट्र जमीन का कोई भूखंड नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों द्वारा बनाया गया है। कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस के नेता ने बयान दिया था कि अगर कश्मीर में हिंदू होते तो बीजेपी सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करती। Former Union Minister and Congress leader P. Chidambaram repeated the Pakistani script on Kashmir, and he said that the BJP would not have snatched away the special status had Jammu and Kashmir been a Hindu-dominated state. Yen Kashmir la mattum kuri vekkiringa? Adukku kaaranam enna? Mada veri, mada vaadam da. Andha unmaiyilirundhu marandu vidakoodadha. Andha unmaiya marandu vidakoodadha. Iduve Kashmir Hindu perumbaanmai maanilamaga irundirundal Bharatiya Janata Kachi idai seiyadhu. कांग्रेस के इन और नेता ने कहा कि कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है। सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी सर कि लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग लोग करते हैं, वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। एक बार बड़े नेता ने कहा, भारत में लोकतंत्र ही खत्म हो गया। कांग्रेस की कोई अलग अलग राय नहीं है, कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय, कांग्रेस पार्टी की CWC जब कश्मीर पे हुई थी उसके स्टेटमेंट में स्पष्ट राय है। जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। भाइयों बहनों, ये हमारे विरोधियों की भाषा,